नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिंसर में स्वागत है। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिंसर। स्टूडेंट, टुडे वी लर्निंग अबाउट द इंग्लिश बेसिक। स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक है इंग्लिश बेसिक। इंग्लिश बेसिक में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे छोटे छोटे लेटर्स मिल करके हम लोग स्पेलिंग बनाते हैं। टुडेज टॉपिक ऑफ इन योर इंग्लिश क्लास अबाउट बेसिक वर्ड्स और बेसिक लेटर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेजेस। वी विल बी डिस्क्राइब अबाउट द ए टू जेड एंड हिंदी लैंग्वेज आ टू क्या। स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम लोग किस प्रकार से छोटी छोटी मीनिंग्स को कलेक्ट करके एक बड़ा सा वर्ड बनाते हैं। छोटे छोटे सेंटेंसेस को किस प्रकार से हम एक अच्छे प्रभावी ढंग से लिख सकते हैं। लेकिन सेंटेंस लिखने से पहले इट इज मस्ट बी इम्पॉर्टेंट टू रिटन बिफोर द एनी टाइप सेंटेंस हाउ टू राइट द स्पेलिंग्स। Spelling clarity is must in English language with you are in written condition any topic. इस टॉपिक में हम यही सारी छोटी छोटी कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार से छोटे छोटे अक्षरों को मिलाकर हम बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स ज्वाइन करते हुए एक अर्थपूर्ण तरीके से एक शाब्दिक अर्थ बना देते हैं। We learn in this topic how to make the spellings to help of smallest letters as A to Z. So viewers and subscribers kindly see full video and like and subscribe, and if any type problem and you can comment, kindly share and like and subscribe this channel. Okay, will be continue video how to make the spellings. Please wait. A बड़ा A, double A, छोटी E, I, छोटी E, I, बड़ी ई, डबल ई, छोटा ओ, यू, छोटा ओ, यू, बड़ा ओ, डबल ओ, A, E, A, E, A, I, A, O, O, A, U, O, Ang, A, N, Ang, A, H, Aha, A H aha, K ka, K A ka, K H kha, K H a kha, G ga, G a ga. Students, this is most important chart. This is the you chart can of do consonant. Screenshot and read. For and example, write. Mostly important. K to Z. इस चार्ट को ध्यान से देखें और इसकी सहायता से आप आसानी से लाइक कमेंट व्यंजनात्मक स्पेलिंग ये चार्ट आप यानी कंसोनेंट स्पेलिंग और इसकी सहायता का से ज्ञात तक की स्पेलिंग आप अच्छे से सब्सक्राइब चेक कर सकते हैं और उसे अच्छी तरीके से लिख सकते हैं।